नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर निगम भवन में स्थित सभागार में निगम के कर निरीक्षक एवं कर संग्रहकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर आयुक्त ने कर संग्रह की गति तेज करने के साथ बड़े बकायेदारों से वसूली के निर्देश दिए। नगर आयुक्त द्वारा बैंक अधिकारियों से बैंकों के CSR मद से जनहित के सहयोग हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया, जिस पर बैंक अधिकारियों ने अपने स्तर से यथासंभव सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जो मैं 45 नंबर और 63 नंबर वार्ड देखता था, कौन सा बताओ? इलाहीबाग है और मिर्ज़ापुर, लेकिन अभी हम रेड विभाग में हैं। आज नगर निगम में हमारे जितने भी राजस्व निरीक्षक, कर निरीक्षक, उन सबों की बैठक बुलाई गई थी। उसका मुख्य ये था कि जो नगरीय क्षेत्र में जो हमारे ड्यूज हैं, जो हमारे बकाए की धनराशि है, बहुत बड़ी धनराशि हमारे जो मार्केट में फंसी हुई है, कहीं रुकी हुई है, वसूली नहीं हो पा रही है, उसी को लेकर आज समीक्षा हम लोगों ने किया। क्योंकि जो बहुत सी दिक्कतें होती है फाइनेंशियल जो है, इस वक्त हम लोग नगर निगम जो बहुत सी चीज़ें नगर निगम निधि से भी कर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों में जो पहले हमारे पास जिसमें धनराशि आती थी, हम लोगों ने इसमें कोविड को ध्यान में रखते हुए उसको सब चीज़ों को हम लोगों ने निःशुल्क कर दिया है। तो हमको इस बात को भी ध्यान में रखता है कि हमारी नगर निगम निधि में एक निश्चित धनराशि अनिवार्य रूप से हर समय बनी रहे, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हम जो हमारी तमाम अच्छी योजनाएँ चल रही हैं और जो हमको जनमानस को हम जो लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, तभी उसमें हम सफल हो सकेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को मोटिवेट किया गया कि जितने बड़े बड़े धनराशि के हमारे बकायेदार हैं उनके पास जाएं, क्योंकि उनको पहले भी कई बार नोटिस दी जा चुकी है, एक बार पुनः अंतिम नोटिस दे दें और कह दें कि अगर वो नोटिस देने के बावजूद अब पैसा जमा नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम जो इसके खिलाफ जो है फिर अगली कार्रवाई अमल में लाएंगे। हमारे जिन तमाम बैंक हैं यहाँ के, उनके बैंक के जो प्रबंधक महोदय हैं, उनसे भी वार्ता हम लोगों ने किया है, उनसे जो उनके CSR के फंड हैं उसमें कई उनसे ये कहा गया कि जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, जो शहरी क्षेत्र के हमारे जनमानस है, जो जनता है, उसकी भलाई के लिए जो जो योजनाएं चला सकते हैं उसको ज़रूर चलाएं, जिससे कि हम सभी लोग मिलकर इस जो संकट की घड़ी है, कोरोना काल चल रहा है, उससे मिलजुल कर हम सब लोग लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी विजयी होंगे, कामयाब होंगे।